एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम, और आज का टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, दोनों टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 63 है। कौन बनेगा आज का विनर, जिनका 63 में 63 सही होगा वही होंगे विनर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर लें, ऐप अवेलेबल करा देगा जिसका आप लोग को इंतजार था। तो सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ऐप पर आपको सारे डाटा आसानी से टॉपिक वाइज मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव सारा कुछ मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐप सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों को, एनसीसी जो लोग करते हैं उनको भी बता देंगे कि ऐप डाउनलोड कर लें और वहां से पढ़े, ठीक है। बाकी डेली शाम में 7 बजे तेजस चैनल पर क्लास चलती है, क्लास टाइम से अटेंड करेंगे। सभी को जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। इस चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1756 में, बी 1761 में, सी 1526 में, या फिर 1861 में। टाइम शुरू हो चुका है। थर्ड बार ऑफ पानीपत किस वर्ष लड़ी गई? आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए और टेस्ट आप पूरा देंगे, मतलब लास्ट तक 63 क्वेश्चन। चले जल्दी, गुड जोश, चले टाइम अप। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, बी वाले सही है। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? ऑप्शन है देहरादून में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, या फिर डी पुणे में। टाइम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब इंडिया का पूछ रहा, नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिंदी होगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। देहरादून वाले ध्यान दीजिए, ठीक है, सब गलत हो। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खालिस्तान एडी में विस्फोट किया? ऑप्शन है जयपुर में, बी कोटा में, सी पोखरण में, या फिर उधमपुर में। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी, ऑल आर टाइगर ऑफ द तेजस फैमिली। आंसर सभी के परफेक्ट होने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के फाइनल ओरिजिनल क्वेश्चन है। गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को पोखरण में विस्फोट किया था, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 15 जनवरी को, सी 4 दिसंबर को, या फिर 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका। सेना दिवस मतलब ये पूछ रहा सेना आर्मी को बोलते हैं। व्हेन वी सेलिब्रेट आर्मी डे, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर या 26 जनवरी। चलो टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? ऑप्शन है देहरादून में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, या फिर पुणे में। टाइम शुरू हो चुका है। भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? चलिए फास्ट, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, देहरादून, कोलकाता, दिल्ली या फिर पुणे। ये आई में पूछ रहा है, तो भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है, सभी देहरादून में, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1914 में, बी 1918 में, सी 1945 में, या फिर 1939 में। टाइम शुरू हो चुका। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए, 1914, 1918, 1945 या 1939। चले टाइम अप। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 में, डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? ऑप्शन है टाइगर हिल, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? टाइगर हिल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर नन ऑफ दीज। फास्ट, चिले टाइम अप। तो द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह
टाइगर हिल है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद अकबर, बी जलालुद्दीन अकबर, सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या फिर डी जलाल मोहम्मद अकबर। टाइम शुरू हो चुका। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? चलिए जल्दी ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पर सर्च करके तेजस एनसीसी आर्मी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनको पीडीएफ लेना होगा पीडीएफ भी है, जो पेड कोर्स है। चलिए टाइम अप। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1971 में, सी 1999 में या फिर 1962 में। टाइम शुरू हो चुका। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ? एक ही बार हुआ है ना, इंडिया वर्सेस चाइना। सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी चले टाइम अप। तो भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ाई हुई थी, डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप की सेना के बीच, बी अकबर की सेना के बीच, सी पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच या फिर शिवाजी की सेना के बीच। टाइम शुरू हो चुका। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और दूसरा किसके बीच हुआ था? चलिए फास्ट आराम से ऑप्शन देखिए और सभी लोग आंसर बताएं। गुड जोश। चलिए टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा अकबर की सेना के बीच, बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन 1914 में, बी 1918 में, सी 1939 में या फिर 1945 में। टाइम शुरू हो चुका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ? चले जल्दी, इट्स वेरी इजी। इसके पहले था कब शुरू हुआ, अभी पूछा समाप्त हुआ, तो ध्यान देना। चलो टाइम अप। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हुआ था, डी वाले सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? ऑप्शन है बाबर के द्वारा, बी अकबर के द्वारा, सी शिवाजी के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा। टाइम शुरू हो चुका। भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? बाबर के, अकबर के, शिवाजी के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा। जल्दी चले टाइम अप। तो पहली बार गन पाउडर बाबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एलओसी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बी लाइन ऑफ कंट्रोल, सी लाइट ऑफ कंट्रोल या फिर डी लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ एलओसी, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर फंसोगे। क्या होता है एलओसी का फुल फॉर्म? चलिए टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा लाइन ऑफ कंट्रोल, बी वाले सही है। नेक्स्ट 14, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए के एम करियप्पा, बी जनरल मनोज पांडे, सी सैम मानेकशॉ या फिर इंदिरा गांधी। टाइम शुरू हो चुका। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन थे? ध्यान से सभी लोग का सही होना चाहिए। गुड जोश। चलिए टाइम अप। 1971 में आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ थे, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन ए शिमला समझौते पर, बी सिंधु समझौते पर, सी ताशकंद समझौते पर या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? फास्ट चलो टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ताशकंद समझौते पर, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क
प्रणालियां जुड़ी है। ऑप्शन 31,000 देशों की, बी 30,000 देशों की, सी 35,000 देशों की, या फिर 3,000 देशों की। टाइम शुरू हो चुका, चलिए जल्दी, ये सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं, जल्दी। और इन सब के अलावा भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे बताने वाला हूं जनवरी में। चलिए डामो, तो इंटरनेट में लगभग 100 देशों की, टोटल 31,000 देशों की। ऑप्शन ए वाले सही है, सॉरी 31,000 वो नेटवर्क प्रणाली है ना। नेक्स्ट 17, पीवीसी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए परमवीर चक्र, सॉरी परम चक्र है, बी परमवीर चैट, सी प्रसिद्ध चक्र, या फिर परमवीर चक्र। टाइम शुरू हो चुका, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, चले जल्दी, गुड जोश। टाइम ऑफ पीवीसी का फुल फॉर्म परमवीर चक्र होता है, डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। ऑप्शन ए श्री राजनाथ सिंह, बी श्रीमती निर्मला सीतारमण, सी अरुण जेटली, या फिर मनोहर पर्रिकर। टाइम शुरू हो चुका, प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम, चलिए जल्दी, गुड जोश, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। टाइम ऑफ, तो प्रथम महिला रक्षा मंत्री भारत की श्रीमती निर्मला सीतारमण थी, बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1947 में, बी 1971 में, सी 1999 में, या फिर 1962 में। टाइम शुरू हो चुका, टेस्ट पूरा दीजिएगा, टोटल 63 क्वेश्चन है और सबसे कम टाइम आपको 15 सेकंड टाइम दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसे बीत जाता है, इसलिए आप जल्दी लिमिट टाइम में बताएंगे, ठीक है, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा और परफेक्शन आएगा। चलो टाइम ऑफ, तो भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, डी वाले सही है। 20 नंबर, 1922 में किस जगह मिलिट्री कॉलेज खोला गया। ऑप्शन है देहरादून में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, या फिर डी पुणे में। टाइम शुरू हो चुका, इस क्वेश्चन में काफी लोग लाइव क्लास में गलत बताए थे, मिलिट्री कॉलेज पूछा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल, सबका सही होना चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। चलिए टाइम ऑफ, तो 1922 में मिलिट्री कॉलेज, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ना एक ही, तो देहरादून में खोला गया, ए वाले सही है। 21, COAS का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सी चीफ ऑफ द आर्म्ड स्टाफ, या फिर चीफ ऑफ द स्टाफ। टाइम शुरू हो चुका, फुल फॉर्म ऑफ COAS, चले जल्दी, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, गुड जोश, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इसमें तो काफी लोग फंसते हैं। टाइम ऑफ, COAS का फुल फॉर्म चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, ठीक है, केवल ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने ले लिया। ऑप्शन अशोक चक्र ने, बी तिरंगा झंडा ने, सी परमवीर चक्र ने, या फिर अशोक चिन्ह ने। टाइम शुरू हो चुका, स्वतंत्रता मतलब देश आजाद होने के बाद जो ब्रिटिश ताज था उसका स्थान भारत के किस चिन्ह ने लिया। अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, परमवीर चक्र, या फिर अशोक चिन्ह। चलो टाइम ऑफ, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक चिन्ह ने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 23, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन है आरिफ अलवी, बी अयूब खान, सी परवेज मुशर्रफ, या फिर मोहम्मद अयूब खान। टाइम शुरू हो चुका, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था। चलिए जल्दी, सभी का आंसर आने चाहिए, गुड जोश। चलिए टाइम अप, तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान था, बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 24, कारगिल सैनिक कार्यवाही किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1947 में, बी 1965 में, सी 1971 में,
या फिर 1999 में, टाइम शुरू हो चुका है। कारगिल सैनिक कार्रवाई, क्वेश्चन को बस चेंज करके पूछा है, बाकी वही बच्चा वाला क्वेश्चन है। यानी कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था, 47, 65, 71 या फिर 1999 में। चलो टाइम ऑफ, ठीक है सभी, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, डी वाले सही है। 25, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन है मेवाड़, बी जयपुर, सी चित्तौड़ या फिर महाराष्ट्र। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी, मेवाड़ की राजधानी कहां थी, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। चलिए फास्ट और 2 सेकंड टाइम ऑफ, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्तौड़। नेक्स्ट 26, आईएमए किस जगह में स्थित है, ऑप्शन है देहरादून में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में या फिर पुणे में। टाइम शुरू हो चुका है, आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस जगह में स्थित है। चलिए फास्ट, बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, क्वेश्चन हर साल पूछता है। चलो टाइम ऑफ, ठीक है सभी, आईएमए देहरादून में है, ये वाले सही है। नेक्स्ट 27, पीओके का फुल फॉर्म लिखे, ऑप्शन है पार्ट ऑफ कश्मीर, बी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, सी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। टाइम शुरू हो चुका, फुल फॉर्म ऑफ पीओके, चले जल्दी, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर गलत होगा। फास्ट, चले टाइम ऑफ, पीओके का फुल फॉर्म पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है, सी वाले सही है। नेक्स्ट 28 नंबर, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। टाइम शुरू हो चुका, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, गुड जोश, चलिए फास्ट, जो नहीं पढ़ा होगा गलत। टाइम अप, तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 29, 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना, ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी लाहौर या फिर बांग्लादेश। टाइम शुरू हो चुका, 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना, आंसर सभी के परफेक्ट आने चाहिए, ऑप्शन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर या बांग्लादेश। चलो टाइम ऑफ, 1970 में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 30, सेना की कुल कितनी कमांड है, ऑप्शन है 7, बी 5, सी 12 या फिर डी 6। टाइम शुरू हो चुका है, सेना मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी के कितने कमांड है, चले जल्दी, इट्स वेरी इजी। चलो टाइम ऑफ, तो सेना की टोटल 7 कमांड है, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 31, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। टाइम शुरू हो चुका, ध्यान देंगे, अभी 1971 पूछा, ठीक है, तब 1965 था, तो 1971 पाकिस्तान जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी। चलो टाइम ऑफ, तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 32, सेना का सेंट्रल कमांड किस जगह स्थित है, ऑप्शन है लखनऊ में, बी मुंबई में, सी शिमला में या फिर डी जयपुर में। टाइम शुरू हो चुका, सेना मतलब वही आर्मी का सेंट्रल कमांड कहां पर है, यानी हेडक्वार्टर। फास्ट, जल्दी, चलो टाइम ऑफ, आर्मी का सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 33,
एमईए का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। टाइम शुरू हो चुका है। एमईए का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत होगा। चलिए हरी अब और 5 सेकेंड। फुल फॉर्म ऑफ एमईए, टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट 34। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारतीय सेना का मुख्य कौन था? ऑप्शन ए के एम करियप्पा, बी जनरल मनोज पांडे, सी सैम मानेकशॉ या फिर इंदिरा गांधी। टाइम शुरू हो चुका। यानी भारत पाकिस्तान 1971 में जो वार हुआ था, लड़ाई, तब इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी, टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा सैम मानेकशॉ थे, सी वाले सही है। नेक्स्ट 35। सेना का प्रशिक्षण कमांड किस जगह स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, बी मुंबई में, सी शिमला में या फिर डी जयपुर में। टाइम शुरू हो चुका। सेना का प्रशिक्षण कमांड यानी ट्रेनिंग कमांड ऑफ आर्मी कहां पर है? ऑप्शन लखनऊ, मुंबई, शिमला या फिर जयपुर। चलो टाइम अप। तो सेना का प्रशिक्षण कमांड शिमला में स्थित है, सी वाले सही है। 36 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुई थी? ऑप्शन मुगल सेना और शिवाजी के, बी राजपूत और मुगल सेना के, सी पृथ्वीराज चौहान और अकबर के या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुई थी? टेस्ट पूरा दीजिएगा, 63 क्वेश्चन है और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाइम अप। तो हल्दी घाटी का युद्ध राजपूत और मुगल सेना के बीच हुआ था, बी वाले सही है। 37। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन है 1761 में, बी 1756 में, सी 1556 में या फिर 1526 में। टाइम शुरू हो चुका। यानी फर्स्ट वार ऑफ पानीपत किस वर्ष लड़ा गया? और प्ले स्टोर से आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए आप लोग कर लेंगे, बेस्ट ऐप है एनसीसी का, आप तक का तेजस एनसीसी आर्मी, ठीक है, पूरा सर्च कीजिएगा। चलिए टाइम अप। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई, डी वाले सही है। 38 नंबर। कौन सा देश 1971 वर्ष में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए आजाद हुआ था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी लाहौर या फिर बांग्लादेश। टाइम शुरू हो चुका। 1971 वर्ष में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए कौन सा देश आजाद हुआ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर या फिर बांग्लादेश। चलो टाइम अप। 1971 के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था, डी वाले सही है। 39। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, बी लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सी कैप्टन विक्रम बत्रा या फिर योगेंद्र सिंह यादव। टाइम शुरू हो चुका। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? चलिए जल्दी, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछता है। टाइम अप। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 40। कारगिल युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1947 में, बी 1999 में, सी 1965 में या फिर 2000 में। टाइम शुरू हो चुका। कारगिल युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? चलिए फास्ट ध्यान देंगे, समाप्त पूछा है तो ध्यान से सभी लोग। चलो टाइम अप। तो कारगिल युद्ध 1999 में ही समाप्त हुआ था, बी वाले सही है। 41। महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? ऑप्शन है मेवाड़ का, बी जयपुर का, सी चित्तौड़ का या फिर महाराष्ट्र का।
टाइम शुरू हो चुका। महाराणा प्रताप कहां का शासक यानी राजा थे? चलिए जल्दी, मेवाड़ का, जयपुर का, चित्तौड़ का या फिर महाराष्ट्र का? टाइम अप। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ये वाले सही है। 42 नंबर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, बी 15 अगस्त को, सी 21 जून को या फिर 26 जुलाई को। टाइम शुरू हो चुका। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? चलिए जल्दी, 5 जून, 15 अगस्त, 21 जून या फिर 26 जुलाई। टाइम ऑफ। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को करते हैं, सी वाले सही है। 43, फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है के.एम. करियप्पा को, बी जनरल मनोज पांडे को, सी सैम मानेकशॉ को या फिर इंदिरा गांधी को। टाइम शुरू हो चुका। फील्ड मार्शल का सबसे पहले रैंक किसे दिया गया? करियप्पा, मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ या फिर इंदिरा गांधी? चलो टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैम मानेकशॉ को। क्वेश्चन नंबर 44, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर को, बी 15 जनवरी को, सी 8 अक्टूबर को या फिर 26 जुलाई को। टाइम शुरू हो चुका। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे? सभी का सही होना चाहिए। गुड जोश। टाइम ऑफ। एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 45, परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा को, बी लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को, सी कैप्टन विक्रम बत्रा को या फिर योगेंद्र सिंह यादव को। टाइम शुरू हो चुका। परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? चलिए जल्दी, सभी का सही होना चाहिए। फास्ट, इस टेस्ट में कम्युनिकेशन के भी सारे क्वेश्चन है। चलो टाइम अप। तो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, ए वाले सही है। नेक्स्ट 46, औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? ऑप्शन है जसवंत सिंह, बी मीर मोहम्मद हकीम, सी बैरम खां या फिर शाहजहां। टाइम शुरू हो चुका। औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? चलिए फास्ट, जसवंत सिंह, मीर मोहम्मद हकीम, बैरम खां या फिर शाहजहां। फास्ट। चलो टाइम ऑफ। करेक्ट आंसर होगा बैरम खां, सी वाले सही है। नेक्स्ट 47, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? ऑप्शन है 1939 में, बी 1945 में, सी 1965 में या फिर 1971 में। टाइम शुरू हो चुका। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? चलिए जल्दी, फास्ट। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा 1945 में, बी वाले सही है। नेक्स्ट 48, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी पेशवा सदाशिव राव भाऊ, सी अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? चलिए फास्ट, टोटल 63 क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी 15 क्वेश्चन है, तो पूरा टेस्ट दीजिएगा। चलो टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशवा सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट 49, नौसेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर को, बी 15 जनवरी को, सी 8 अक्टूबर को या फिर 26 जुलाई को। टाइम शुरू हो चुका। चलिए जल्दी, When we celebrate Navy Day? Fast. चलो टाइम ऑफ। तो नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं,
ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, शब्द भेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? ऑप्शन ए बाबर को, बी अलाउद्दीन खिलजी को, सी औरंगजेब को, या फिर मोहम्मद गौरी को। टाइम शुरू हो चुका, चलिए फास्ट, इट्स वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, जल्दी और 2 सेकेंड। चलिए टाइम ऑफ, तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी को मारा था, डी वाले सही है। नेक्स्ट शुरू होता है कम्युनिकेशन का 51, संचार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, या फिर 5। टाइम शुरू हो चुका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, चलिए जल्दी सभी लोग, संचार कितने प्रकार का होता है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए टाइम ऑफ, तो कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, रेडियो और लाइन, ए वाले सही है। 52, मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉल, बी मैसेज, सी संचार, या फिर ग्रुप। टाइम शुरू हो चुका, चलिए जल्दी सभी लोग फास्ट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सभी का सही होना चाहिए। टाइम अप, तो करेक्ट आंसर होगा उसे संचार यानी कम्युनिकेशन कहते हैं, सी वाले सही है। नेक्स्ट 53, 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपार्टमेंट कोड, बी कोड साइन, सी फोनेटिक लैंग्वेज, या फिर सीक्रेट कोड। टाइम शुरू हो चुका, चलिए जल्दी फास्ट, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, चलिए जल्दी टाइम अप, तो करेक्ट आंसर होगा उसे कोड साइन कहते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 54, आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है यानी फुल फॉर्म? ऑप्शन ए रेडियो टेलीफोनी, बी रेडियो टेलीफोन, सी रेड टेलीफोन, या फिर रेडियो टेलीविजन। टाइम शुरू हो चुका, चले जल्दी, आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है? सभी का परफेक्ट होना चाहिए, गुड जोश, मतलब इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है, काफी लोग जो टेलीफोन वाले हो ना गलत हो सब। टाइम अप हो चुका, तो आरटी प्रोसीजर का मतलब रेडियो टेलीफोन ही होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। 55, कंप्यूटर कैसा यंत्र है? ऑप्शन ए चार्जेबल, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी अल्फाबेटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका, कंप्यूटर एक कैसा यंत्र है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, चलिए फास्ट, जल्दी टाइम अप, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी यंत्र है, बी वाले सही है। 56, कॉल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 2 प्रकार का, बी 5 प्रकार का, सी 6 प्रकार का, या फिर 3 प्रकार का। टाइम शुरू हो चुका है, कॉल कितने प्रकार का होता है, चले जल्दी फास्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉल, चलिए टाइम अप, तो कॉल 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। 57, रेडियो संचार 2 प्रकार से किया जाता है, कौन और कौन? ऑप्शन है ओपन और क्लोज, बी रेडियो और लाइन, सी नेट रेडियो और रेडियो रिले, या फिर चेतावनी और कार्यकारी। टाइम शुरू हो चुका, ध्यान देंगे, रेडियो कम्युनिकेशन का पूछा है, इसमें काफी लोग फंसते हो, तो अच्छे से सभी लोग बताएं, चले जल्दी, टाइम अप, तो रेडियो संचार 2 प्रकार, नेट रेडियो और रेडियो रिले होता है, सी वाले सही है। 58, AI का पूरा रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? ऑप्शन है एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस,
बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डी एयरफोर्स इंटेलिजेंस। टाइम शुरू हो चुका है। एआई का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म, फास्ट जल्दी बहुत ही सिंपल है। चलो टाइम अप। तो एआई का पूरा रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, सी वाले सही है। 59 सेल फोन जिसे हम किस फोन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन है मोबाइल फोन, बी टेलीफोन, सी माइक्रोफोन या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। सेल फोन को हम लोग और किस फोन के नाम से जानते हैं, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, बच्चा वाला क्वेश्चन है, टाइम ऑफ। आंसर होगा मोबाइल फोन का नाम से, ये वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है, ऑप्शन है दो प्रकार की, बी तीन प्रकार की, सी चार प्रकार की या फिर पांच प्रकार। टाइम शुरू हो चुका। चलिए जल्दी, किसी भी संगठन में मतलब कम्युनिकेशन के लिए कितने बातों का होना जरूरी है। चलिए टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चार प्रकार की। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है, ऑप्शन है कंप्यूटर, बी इंटरनेट, सी ईमेल या फिर टेलीफोन। टाइम शुरू हो चुका, सभी लोग जल्दी से बताएं, फास्ट, गुड जोश। टाइम अप। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टेलीफोन, नया नहीं है, तो डी वाले सही है। नेक्स्ट 62, आरटी प्रोसीजर का सिद्धांत बी एडब्ल्यूएस बास में बी का क्या अर्थ है, ऑप्शन है ब्रेव, बी ब्रेविटी, सी ब्रेवो या फिर ब्लड। टाइम शुरू हो चुका, चले जल्दी, क्या होगा आंसर, सभी का जल्दी से आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चले टाइम अप। तो बास में बी का ब्रेविटी होता है, बी वाले सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का, मोटोरोला सेट में और वाकी टाकी में कितना चैनल होता है, ऑप्शन है 6, बी 16, सी 5 या फिर 20। टाइम शुरू हो चुका, जल्दी, मोटोरोला सेट और वाकी टाकी में कितना चैनल होता है, सभी का आंसर जल्दी से। चले टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा 16 चैनल होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। आज का विनर कौन कौन है कमेंट करके बताएं, किसका 63 में 63 सही है, आप सभी को कंग्रेचुलेशन, बाकी लोग का कितना सही है कमेंट करें। और प्ले स्टोर से आप तेजस, एनसीसी आर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड करेंगे, जरूर नहीं कि जिनको नहीं पता आप लोग अपने दोस्तों को बता भी देंगे, ताकि सभी को आसानी से डाटा मिले फ्री ऑफ कॉस्ट और सब लोग अच्छे से पढ़े, ठीक है। इस पे आपको सारा डाटा फ्री में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।